CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन, प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में बंजारन ने धोबी और नाई के बारे में जानकारी दी है। विभा देव सरे द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। अरे कमाल हो गया, अभी तक बंजारन नहीं आई। बताओ दोस्तों, मैं और तुम सब मिलकर बंजारन की इंतजार कर रहे हैं और बंजारन आई ही नहीं। खैर, हम और तुम बातचीत करते हैं। दोस्तों तुम्हें कल की बातें याद है ना, जो बंजारन ने बताई थी। अरे वाह, ये देखो बंजारन आ गई। दोस्तों बच्चों जोर से ताली बजाओ। अब बोलो नमस्ते। हाँ हाँ, और जोर से बोलो भाई। अरे बंजारन, आज इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? अरे भैया पोपटलाल, बात ये है कि मैंने नथु धोबी को अपने कपड़े धोने के लिए दिए थे। वैसे मैं अपने कपड़े अपने आप ही धोती हूँ। हाँ, पर उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए तो धोबी को दे दिए थे ये कपड़े धुलने के लिए। खैर, जब मैं नथु धोबी के घर कपड़े लेने पहुँची तो नथु धोबी बोला, थोड़ी देर बैठ जाओ बंजारन, बस तुम्हारे कपड़े अभी तैयार कर रहा हूँ। मैंने कहा, देखो नथु भैया, मुझे बच्चों से मिलने जाना है, वहाँ पोपटलाल और सब बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जल्दी करो भाई। नथु बोला, अभी तैयार करता हूँ, जरा बैठो तो। और तुम बैठ गई होगी और फिर उसी से ही बातें करने लगी होगी। अरे भाई पोपटलाल, अब तुम ही बताओ, मैं करती भी तो क्या करती, कपड़े तो लेने ही थे। फिर तो बच्चों नथु ने इतनी मजेदार बातें बताई कि बस कुछ मत पूछो। अरे बंजारन, दोस्तों को ये बताओ कि नथु धोबी से क्या क्या बातें हुई। भाई बच्चों, नथु ने मुझे ये बताया कि वो कपड़े कैसे धोता है, कैसे सुखाता है और कैसे उन पर लोहा करता है। बच्चों, इतने साफ कपड़े तैयार करने के लिए धोबी को बहुत काम करने पड़ते हैं। तुम सुनोगे उसे क्या क्या काम करना पड़ता है? अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो जी हाँ। शाबाश, ठीक है, तो भाई अब सुनो। पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि नथु के पास दो गधे हैं। नथु धोबी सबसे पहले घर घर जाकर मैले कपड़े इकट्ठे करता है।
और अपने घर पर उन कपड़ों पर स्याही से अलग-अलग नंबर डालता है। पता है बच्चों वो नंबर क्यों डालता है? नहीं पता? अरे भाई इसलिए कि एक घर के कपड़े दूसरे घर के कपड़ों से ना मिल जाए। अच्छा, तो अपनी पहचान के लिए वो कपड़ों पर अलग-अलग नंबर डालता है। हां, और नहीं तो क्या? हां, फिर इसके बाद नथु धोबी एक बड़े से बर्तन में साबुन डाल देता है। मैले कपड़ों को भी उसी बर्तन में डाल देता है। फिर उस बर्तन को भट्टी पर चढ़ा देता है। जानते हो बच्चों इससे क्या होता है? अरे बच्चों, गरम साबुन में कपड़े खूब उबलते रहते हैं। कुछ देर में कपड़ों का मैल बाहर निकल आता है। उन कपड़ों को बर्तन से निकालकर नदी के किनारे पर उन्हें धोने के लिए ले जाता है। वहां पर वो कपड़ों को कूटता है ताकि अच्छी तरह से उनका मैल निकल जाए। कपड़े धोने के बाद वो उन्हें धूप में सुखा देता है। कपड़े जब सूख जाते हैं तो नथु उन पर लोहा करता है। तब जाकर ये कपड़े इतने अच्छे और साफ हो पाते हैं। दोस्तों, तभी तो बंजारन के ये कपड़े इतने अच्छे और चमकदार लग रहे हैं। क्यों बच्चों, हम सबको हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए ना? रोज नहा धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए और बालों में कंघी करनी चाहिए। और क्या, बालों में तेल भी लगाना चाहिए और लड़कों को तो समय-समय पर बाल भी कटवाने चाहिए। अरे अरे पोपटलाल, क्या हुआ बंजारन? अरे तुमने बाल कटवाने की बात कही ना, तो मुझे संतु नाई की कहानी याद आ गई। अरे बंजारन, तो सुनाओ ना इन दोस्तों को ये कहानी। हां हां, सुनोगे बच्चों तुम सब? अच्छा तो सुनो। ये तो तुम जानते ही हो कि नाई शादी ब्याह के मौके पर बहुत काम आता है। संतू नाई भी एक दिन अपने गांव से दूसरे गांव किसी शादी में जा रहा था। संतू के पास एक थैला था, उसमें बाल बनाने के लिए उस तरह कैंची, शीशा और कंघी रखे थे। रास्ते में बहुत घना जंगल पड़ा। संतु अकेला था, पर भला उसे किस बात का डर, वो अपनी मस्ती से चला जा रहा था। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे जंगल का राजा शेर दिखाई दिया। संतु तो डर गया पर हिम्मत नहीं हारी। शेर ने संतू को देखकर कहा, कहां चले हो संतू सेठ? कहां चले हो संतू सेठ, भरा नहीं है मेरा पेट। आज हुई है तुमसे भेंट, करूंगा भोजन मैं भर पेट। संतू ने सोचा, अगर मैं डरूंगा तो शेर मुझे जरूर खा जाएगा। कोई तरकीब सोचनी चाहिए। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो शेर से बोला, जंगल के है महाराज धीराज, तुम्हें प्रणाम करता हूं आज। सचमुच धन्य हो जाता मैं अगर काम कुछ आता मैं। राजा एक मगर है और मुझको खाने को तैयार। दो दो शेर अकेला नाई, आए बड़ी मुसीबत भाई। राजा वही जो मुझको खाए, पर दूजे को मार भगाए।
संतु नाई की बात सुनकर बच्चों शेर बहुत जोर से दहाड़ा और बोला, जंगल का राजा तो सिर्फ मैं हूं, ये दूसरा कौन सा राजा आ गया? संतु बोला, महाराज आपसे भी बड़ा एक शेर और है, मैं उससे यही कहकर आया हूं कि मैं अभी पानी पीकर आता हूं। मैं पानी पीने जा रहा था कि आप मिल गए। शेर बोला, मैं उस शेर को देखना चाहता हूं, चलो उसे दिखाओ। संतू बोला, महाराज मैं उसका एक चित्र ले आया हूं। यह कहकर संतू ने अपने थैले से शीशा निकालकर शेर के आगे रख दिया। शेर ने जब शीशे में अपनी शक्ल देखी तो उसे लगा, जरूर कोई दूसरा शेर है। बस शेर दहाड़ता हुआ दूसरे शेर को मारने के लिए जंगल की ओर चल दिया। संतु बोला, महाराज आप उसे मारकर आइए, मैं यहीं बैठा हूं। बस उधर शेर गया, इधर संतु अपनी जान बचाकर भाग निकला। बच्चों जोर से ताली बजाओ, बजाओ बजाओ। हां शाबाश। अच्छा भाई बच्चों, अब मैं चलती हूं, फिर मिलूंगी। अब जोर से बोलो नमस्ते। भाई वाह, धोबी और नाई के बारे में बंजारन ने भी खूब कहानी सुनाई। और अब दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।